जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से और लोगों में उत्साह है। बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, साथियों ने सहयोग कर रहे हैं और एक नया माहौल हम देख रहे हैं। लोग वादे और विकास की लड़ाई को पहचान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय वादे किए गए, समाजवादी सरकार में काम किया गया। हम लोग बांध बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे, बिजली को अपग्रेड कर रहे थे। हम लोग 33 केवी सब स्टेशन बनाए, शाहजहाँपुर बनाए, लोहागढ़ बनाए, यहाँ पर एरच बनाए, खड़ेनी बनाए, गरौठा में जाके बनाए, कर्कोच बनाए। जवाहर जी ने खम्मा निकलवाया, हम लोग बांध लेके आए। 125 साल के बाद बांध बना था। 600-700 करोड़ रुपये खर्च हुआ, 5 साल से जाँच के नाम पर रोका गया। लोग चाहते हैं जल्दी बांध बने। हम लोग सड़कों के जाल बिछाए थे, कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिस सड़क को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश ना की हो। चाहे हमारा चिड़गांव से हमीरपुर की सड़क हो, चाहे एरस से मऊरानीपुर की सड़क हो, चाहे गोसराय से कोटरा की सड़क हो, चाहे गरौठा से मऊ की सड़क हो। पुल बनाए, मोती कटरा का पुल बनाया, कोटरा का पुल बनाए। हम लोग सब CSC को PSC में तब्दील किए, PSC को CSC में तब्दील किया, समथर में भी किया, मौट में ट्रामा सेंटर बनाया, गुड़साए। मैंने कहा स्वास्थ्य शिक्षा सब पे काम किए थे, पर ये तो सिर्फ बातें करते रहे, ये तो रुकवा दिए। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं रोकी गई। आज लैपटॉप योजना बंद है, कन्या विद्यादान बंद है, माताओं की पेंशन बंद है, लोहिया ग्राम बंद है, अम्बेडकर ग्राम बंद है, जनसंघ मिश्रा ग्राम बंद है। मैं कह सकता हूँ लोगों में रोष है। लोग सरकार की मेहरबानी नहीं चाहते, अपने पैसे से अपने विकास की बात पूछना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि लोग विकास की तरफ जाना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमारा बजट यदि 5 लाख करोड़ रुपये था, उस सरकार का बजट नहीं है, लोगों की मेहनत का पैसा है। लोग उसका हिसाब जानना चाहते हैं। जब हिसाब का सवाल आता है तो नई बातें शुरू करते हैं जो हिसाब नहीं देना चाहते। जनता के पास मैं अपील भी करता रहता हूँ, हमेशा आज भी कह रहा हूँ कि लोगों से कहता हूँ राजनीति पे बड़ी गहरी नज़र रखो आप। आपके पास इसके ठीक किए बगैर आपका भविष्य अंधेरे में है। राजनीतिक राज्य किसी को बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के सारे सवाल उससे जुड़े हैं। अगर सरकार अच्छी बनाओगे, भ्रम पैदा करेगी सरकार, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगी, जिससे स्कूल बनना है, बच्चों का मास्टर पहुँचना था, जिससे उनकी ज़िंदगी बदलनी थी, कर्जा खत्म होना था, गांव का विकास हो रहा था, वो सब बातें खत्म करके आप दूसरी बात करते हैं, क्योंकि वो गरीब के पैसे से बेईमानी करना चाहते हैं। और जो भी ये बात राजनीति में कर रहा है, समझ लो गरीबों तुम्हें धोखा देने जा रहा है। किसी सरकार की मेहरबानी जरूरत नहीं है, अपने ही पैसे से अपनी तरक्की पर खर्च करा ले गए आप, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो जनसेला भी दिख रहा है, आप देख लीजिए पिछली बार क्या था। पिछली बार हम लोग 225 पे थे, बीजेपी 47 सीटों पे थी। तो जनता के बीच में भी आप देख रहे थे किस तरह का था। अखिलेश जी तो बहुत काम किए थे, मेट्रो बनाए, सोने बनाए, बांध बनाए, सब कुछ बनाए। तो जब हम इतने ज़मीन पर कुछ काम ही नहीं है, मैं कह सकता हूँ जैसे किसान आंदोलन के नाम पर किसानों ने 700 लोगों ने अपनी जानें दे दी। ये देश किसानों का है, गांव में बसता है। हमें जातियों में बांट कर कब तक भ्रम में रखोगे आप। अब किसान जातियों के नाम पर ही लड़ना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है। मैंने कहा ये बदलाव दिख रहा है। आज पश्चिम में गाँव में एंट्री बंद है, TV में जीत सकते हैं, गाँव में तो हार गई बीजेपी। जिस दिन रिजल्ट खुलेगा हवा हो जाएगी सब, देख लेना आप।